दोस्तों मैं साधना, मेरे चैनल साधनाज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानकारी करेंगे गुलकलंगा प्लांट के बारे में, जिसको कॉक्स कॉम्ब भी कहते हैं। कॉक्स कॉम्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉक के ऊपर जो ऊपर कलंगी जैसी लगी रहती है, उसको कॉक्स कॉम्ब कहा जाता है। ये देखने में उसी तरीके होते हैं और इसको सिलोसिया भी कहते हैं। और इसमें ही सीड्स निकलते हैं जो बहुत चींटी के समान छोटे होते हैं और शाइनिंग वाले रहते हैं। उन सीड्सों को निकाल कर रख लिया जाता है जब ये फूल मुरझा जाता है। नीचे की साइड फूल के नीचे ही इसके सीड्स रहते हैं, जो छोटे छोटे से आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं उसी में सीड्स रहेंगे। जब ये सूख जाएं तो आप उनको निकाल के रख लें। कोई भी लीफ सूख जाएं उनको अलग निकाल दें। ग्रीन लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं और इसके जो फ्लावर है वेलवेट जैसा, बूल जैसा होता है, एकदम शनील जैसा चिकना शाइनिंग वाला होता है, जो आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा। इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। और ये कलंगी जैसा फ्लावर बहुत ही प्यारा लगने वाला होता है, आप अपने यहाँ लगाएंगे तो देखेंगे। और इसमें धूप की ज़रूर आवश्यकता होती है। ये शेडी प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है, धूप में बहुत अच्छे से खिल के आते हैं। और इसको एक बार लगा लें तो सालों साल इसके सीड्स नीचे गिर जाते हैं और अपने आप ही बारिश के टाइम में उग के आ जाते हैं। अलग से आपको कोई प्लांट बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ बहुत दिन पहले मैंने ये प्लांट लगाया था, देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि बस मन होता है ये प्लांट्स बहुत सारे लगा लें। अपने आप ही जब मिट्टी में गिर जाते हैं इसके सीड्स, मैंने लगाया भी नहीं था तो अपने आप उगकर आ गया। दो तीन महीने जब बाद जब मैंने बारिश में चेक किया, इतना लंबा प्लांट हो गया है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए मिट्टी में से कंपोस्ट में जो रहती है उसमें से निकाला और उसको गमले में लगा दिया। गमले में ये अच्छा खिल रहा है और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो ब्रेन रहता है उस जैसी डिज़ाइन बनी आती है और देखने में खूबसूरत। और आप अपने भगवान पर सुंदर सुंदर ये शनील वाले फ्लावर्स लगाएं तो भगवान की भी खुश हो जाएंगे। इस प्लांट में मुरझाने का अपने आप ही रीज़न होता है कि ये जब मर जाते हैं, इसके सीड्स पूरे बन जाते हैं, उस समय मुरझाने लगता है। उस समय आप उसके फ्लावर के नीचे के हिस्से में से सीड्स निकालें और पेड़ को निकाल के डाल दें, क्योंकि बार बार प्लांट उगता नहीं है। परंतु थोड़ी बहुत लीफ अगर आपकी सूख रही हों, ब्राउन कलर की हो रही हों, तो आप उनको निकाल दीजिए तो प्लांट आपका अच्छे से बना रहेगा। मैंने तो अपने यहाँ ये बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और मेरे को बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं इनको कभी भी लगाना छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि सीड्स तो अपने आप आ ही जाते हैं एक बार लगाने के बाद। और फिर इन सीड्सों को संभाल कर रख लीजिए, जब भी चाहें लगाइए, नहीं तो मिट्टी में तो अपने आप गिर ही जाते हैं और ये सालों साल अपने आप ये प्लांट चलता ही रहता है। बस सूखी पत्ती हटाने का ध्यान रखें तो ये प्लांट सालों साल आपके यहाँ बना रहेगा और इसकी जो सुंदरता है आप प्राप्त करते रहेंगे। इस प्लांट को ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये 2 फुट करीब में ही फ्लावरिंग देना चालू कर देता है। और इसकी लीफ में रेड कलर अपने आप ही आ जाता है और देखने में इसकी लीफ भी बहुत प्यारी सी लगती हैं। छोटे में ये ग्रीन कलर की ही लीफ आती हैं, बाद में इसमें रेड कलर बीच में कोलियस जैसा आ जाता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए इसमें ये इसकी बर्ड्स आने लगती हैं और ये ज़्यादातर रेड कलर का होता है, रेड मैरून शेड लिए हुए। और भी कलर्स इसमें आते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, गोल्ड, हरा, बहुत सारे कलर्स में आता है। और वो जो है वो विदेशी गुलकलंगा होता है, ये अपना देसी गुलकलंगा है। उसके सीड्स आप अलग से मंगा सकते हैं अगर आपको रंग बिरंगा वाला सिलोसिया का प्लांट चाहिए तो। प्लांट द्वारा भी ये रेडी हो जाता है और सीड्स द्वारा भी बहुत आराम से रेडी हो जाता है। ये अच्छा हार्डी प्लांट है और धूप के द्वारा ही चलता है। इसके लिए बेल्ट्रेन सोइल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अपने आप मेरा कंपोस्ट में उगाया तो मैंने निकाल लिया है। और इसकी देखिए जड़ कितनी प्यारी आ रही हैं,
और मैं कोई भी गमले में इसको लगा दूंगी। ये मैंने देखिए 5 किलो की ऑयल की कैन है, साफ़ करके इसमें कंपोस्ट बना के रखी हुई है। कंपोस्ट वही हम बनाते हैं जो सूखी पत्तियाँ पेड़ पौधों में से निकलती हैं, वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। साथ में साग सब्जियों का जो छिलके रहते हैं और फलों के जो छिलके रहते हैं उनको मिट्टी में डालकर तैयार कर लेते हैं इस तरह की कंपोस्ट। कंपोस्ट की मेरी कई वीडियो हैं, अपने पेड़ पौधे कंपोस्ट में ही लगाती हूँ और रिवर्स एंड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे खिलके आते हैं और अच्छे पनपते हैं। आप भी अपने यहाँ इस तरीके से पौधे लगाएं। देखिए मेरे पास मिट्टी नहीं है तो मैं ये लीफ वगैरह का जो नीचे कचरा है वही इसमें ऊपर ढक के डाल दे रही हूँ, क्योंकि प्लांट को मेरे को जमाना है इस गमले में। इस तरीके से आप प्लांट अपने यहाँ ज़रूर लगाएं और बहुत बहुत प्यारी प्यारी सुंदरता पाएं। गार्डन से किसका दिल भरता है, जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको मालूम होती है कि सुंदरता क्या चीज़ है। जब भगवान ने हमको नैसर्गिक ये सुंदरता दी है, प्राकृतिक सुंदरता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आप भी अपना इफ़ेक्ट डालें तो एफर्ट डालने से आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। आप घर में ही साग सब्जी फल पौधे प्राप्त कर सकते हैं और सुंदर सुंदर फ्लावर्स प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप अपने भगवान पर चढ़ा सकते हैं, जो देखने में तो खूबसूरत लगेंगे। साथ में भगवान के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। खुशबूदार फ्लावर्स भी लगाइए और दिखने में सुंदरता वाले फ्लावर्स भी लगाइए, आपका मन देखते ही लगेगा वाह क्या चीज़ है और खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएंगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जो भी मैं नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आप मेरी वीडियोज़ को देखिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और गार्डनिंग का नया नया एक्सपीरियंस लीजिए। आप बिगनर्स हैं तो भी ये वीडियो मुझे आपके बहुत काम आने वाली है, आप ये वीडियो का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों ये वीडियो से आपको मैं बस नैसर्गिक सुंदरता देना चाहती हूँ, आप अपने घर में सुंदरता प्रदान कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिलेगी और आपके घर के कोई भी साग सब्जी का फला का कचरा वेस्ट नहीं जाएगा। पत्तियां जो हैं सब कंपोस्ट बनने में डाल दीजिए और रिवर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रिवर से ले सकते हैं या जो घर बन रहे रहते हैं वहां से आप अपना सेंड ले लीजिए अलग से, और कोई मिट्टियां काली मिट्टी लाल मिट्टी ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी इच्छा को भरपूर पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बिगनर्स के लिए ये प्लांट्स लगाना बताया है, आप अपने यहाँ ज़रूर लगाइए। दोस्तों देख लीजिए कि एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ज़रूर इनका लाभ उठाइए और अपने घर में हरियाली लाइए। मोदी का नारा स्वच्छ इंडिया एंड ग्रीन इंडिया पूरा कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी साग सब्जी फलों का कचरा पत्तियों का कचरा सब इसमें यूज हो जाता है। दोस्तों मेरा तो यही कहना है, आप गार्डनिंग ज़रूर कीजिए और अपने घर में स्वच्छता का वातावरण लाइए और स्वच्छ ऑक्सीजन लाइए। थैंक यू।